पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रव्यापी मतदाता संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने देश में एक मजबूत सरकार चुनने के मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। मतदाता संपर्क अभियान की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में इस अभियान के माध्यम से 100% का लक्ष्य ले देश में एक अच्छी सरकार और अच्छे जनप्रतिनिधियों के चयन में मतदान के लिए जागरूकता चलाएगा। फिरासत अली ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार की तरह है जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना है। अपने साथ साथ दूसरों को भी इस उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना है। मुख्य वक्ता जेपी सिंह ने कहा कि युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत युवाओं का देश है और मतदान में युवाओं को आगे आकर समाज के उन वर्गों तक मतदान के महत्व की जानकारी पहुंचानी है जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। कार्यक्रम संयोजक विपिन जैन ने कहा कि सरकार को देश में मतदान को अनिवार्य बनाना चाहिए और जो मतदान ना करे उनको दी जाने वाली सुविधाओं को रोका जाना चाहिए एवं उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए। अनुपम निगम ने मतदान से संबोधित प्रशिक्षण दिया, संचालन कविता सिंह व्यस्त ने किया। देशी जागरण मंच के तत्वाधान में अपना जो राष्ट्रव्यापी मतदाता संपर्क अभियान है उसका आज यहाँ शुभारंभ टिबिट के सभागार में हुआ है और विशेषकर आज उन युवाओं के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है जो इस बार पहली बार वोट देने वाले हैं। हमने दो मुद्दों पर इन लोगों को कहा है कि आप इस बार मतदान करते वक्त ध्यान दें, एक तो देश के अंदर एक अच्छी सरकार चुन के आए, एक राष्ट्रवादी सरकार चुन के आए, शक्तिशाली सरकार चुन के आए, इसलिए वो कुछ मुद्दों पर चिंतन कर अपने वोट का इस्तेमाल करें और दूसरा इस बार वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 100% हो, अधिक से अधिक हो, इसके लिए युवाओं की भी भूमिका हो। आज हम लोगों ने उन युवाओं को कहा है, आह्वान किया है कि वो हमारे इस अभियान के अंदर वो जुड़ें और लोगों को प्रेरित करें, तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर टिमिट के सभागार में यहाँ पर संपन्न हुआ है।